अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन पॉलिसी जो है कैसे बनाई जाए। तो सीएसएस के लिए जो है फॉरेन पॉलिसी का, सॉरी आज मुझे हिचकी लगी हुई है, तो आपको इसी के साथ ही आज गुजारा करना पड़ेगा। तो राइटिंग जो है मैं जल्दी में लिखता हूँ तो इसलिए थोड़ी साफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है बोल के बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो है हमें उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता है, रिलीजियस देखना पड़ता है, इसके बाद हिस्टोरिकल देखना पड़ता है, कल्चरल देखना पड़ता है, और हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एम आ जाती है और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। अ स्टेट नीड टू बी वेरी क्लियर, जब वो अपने ऑब्जेक्टिव बना रही हो तो स्टेट क्लियर हो कि यार वो कौन से जो हैं ऑब्जेक्टिव्स बना रही है। इसके बाद है सेटिंग एन एक्विडेट बेस्ड अपॉन द स्टेट्स पॉलिटिकल, तो जो है स्टेट का जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनको पता होना चाहिए, उनको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अपने क्या रोल है उनका पता होना चाहिए। फॉर्मूलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है और मॉनिटरिंग और फीडबैक आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं यूएस की फॉरेन पॉलिसी, चाइना की, ईरान की डिस्कस करेंगे। तो साथ इन कॉन्टैक्ट रहिएगा मेरे।